हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम सर्कल का रिवीजन करते हैं। सर्कल से और टेंजेंट से मिला के क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें टेंजेंट और सर्कल के थ्योरम्स दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कुछ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लेके रखे हैं, तो उससे मैं समझाना चाहूँगा और आप इसको फॉलो कीजिए, आपका लास्ट मिनट रिविज़न हो जाएगा। और जैसे मैंने एक थ्योरम बेस्ड वीडियो बनाया था कि जो ज्योमेट्री में कैसे हम फुल मार्क्स ला सकते हैं, तो ज्योमेट्री में फुल मार्क्स लाने के लिए आपको थ्योरम्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे और थ्योरम्स का जो पैटर्न है एप्लीकेशन वो अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन के ज़रिए समझने का कोशिश करते हैं और टेंजेंट और सर्कल का दोनों मिला के क्वेश्चन इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये सर्कल है, इसमें टेंजेंट है पी ए क्यू, टेंजेंट पी बी डी इज़ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ले लिया। ए सी भी दिया है, ए सी बी दिया है 36, ए पी भी दिया है 42 डिग्री। ठीक है, ये दिया है और आपको निकालना है बी ए पी, तो बी ए पी। तो अभी यहाँ पर जो बी ए है ये है कॉर्ड है, और ये जो पी है ये टेंजेंट है, पी ए टेंजेंट है। ठीक है, तो आपका थ्योरम क्या बताता है, यदि जो टेंजेंट के साथ जो कॉर्ड जो एंगल बनाता है उसी कॉर्ड से यदि ऑल्टरनेट सेगमेंट में यदि हम एंगल बनाते हैं तो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट बी ए पी इज इक्वल टू बी सी ए, सो दैट्स वाई दिस इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो यहाँ पर आपको रीज़न लिखना है, हर नए स्टेप में आपको ज्योमेट्री में रीज़न लिखना पड़ेगा, तो याद कीजिए। तो दिस इज एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट सेगमेंट्स, तो ये इधर में है और वो उस साइड में, तो ये 36 डिग्री हो गया। तो पहला आंसर आपको आ गया, तो एक मार्क्स मिल गया। देखिए, ये थ्योरम का पैटर्न आपको समझना है, कॉर्ड एंड टेंजेंट के साथ जो बनता है उस कॉर्ड से दूसरे साइड में दूसरे सेगमेंट में आपको एंगल दिखता है तो वो इक्वल हो जाता है। तो चलिए अभी ए बी डी निकाल लेते हैं। ए बी डी ये क्या है ना, ए बी और डी, तो ये वाला एंगल कितना है हम निकाल लेते हैं। तो अभी हमारे पास ये 36 आ गया, सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 42 प्लस 36 डिग्री, तो इसका मतलब 78 डिग्री आ रहा है इसमें। तो इसका रीज़न क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए बी डी, ये आ गया 78। अभी क्यू ए डी, क्यू ए डी अभी इस साइड का एंगल बताता है ना, तो क्यू ए डी क्या है। तो अभी फिर से यहाँ पर जो क्यू ए डी, तो ये जो एंगल है ये एंगल पूछ रहा है, तो ये दिस एंगल इज मेड बिटवीन टेंजेंट एंड द कॉर्ड। अभी इस कॉर्ड के इस साइड वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाना चाहिए, तो देखिए इसलिए ये 78 है, सो दैट्स वाई ए बी डी हो जाएगा। तो ये एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट ये, तो इसका मतलब ये भी 78 डिग्री हो गया। तो देखिए पैटर्न समझना है, ये कॉर्ड ये टेंजेंट इसके इस साइड में एंगल जो बनेगा वही इक्वल हो जाएगा, तो ये है थ्योरम। अभी बी सी डी फोर्थ पार्ट, बी सी डी, बी सी डी, तो ये कितना होगा। तो अभी हम देख सकते हैं ए सी डी इज इक्वल टू ए बी डी, ये देखिए एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया 78 डिग्री, सो देयरफॉर
बी सी डी में दो पार्ट आ गए, एक 36 ऑलरेडी दिया है प्लस 78, तो 411 डिग्री। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो घुमा फिरा के वही थ्योरम्स आपको अप्लाई करने हैं। तो थ्योरम का जो सेटअप है बहुत अच्छे से देखना है। ये है एक ही सेगमेंट में दो एंगल इक्वल होते हैं, है ना। तो ये आ गया आपका थ्योरम से, ये समझ में आ गया। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये सर्कल दिया है, सर्कल में ये सेंटर ओ है, ठीक है, सर्कम सर्कल है ये। तो इसका सेंटर दिया हुआ है ए बी सी डी का, और बी पी एंड डी पी आर टेंजेंट्स, और ये लाइन है ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, ये पैरेलल है। तो ये 55 डिग्री दिया है, तो आपको बी ओ डी ये एंगल निकालना है, और आपको बी पी डी निकालना है, ठीक है। तो अभी ये जो पैरेलल, ये जो एंगल दिया है और ये पैरेलल लाइन दिया है, इसका आपको यूज करना है। तो ये पैरेलल, दिस इज़ पैरेलल टू दिस, और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल आपका निकल जाएगा बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये इसमें आपका अल्टरनेट एंगल आएगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये आपका आ गया 55, ठीक है। अभी ये जब हमको मिल गया अभी, है ना, तो अभी ये जो एंगल है यहाँ से बना है, एंड हेयर ओनली द सेंटर है उसे, तो ये सेंटर से इसी आर्क के एंड से ये सेंटर में एंगल बना है। तो देयरफॉर बी ओ डी जो पहला पार्ट है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी। तो आपको यहाँ लिखना है थ्योरम। तो क्या, कौन सा थ्योरम है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन द अदर आर्क, अदर और रिमेनिंग आर्क। ये आ गया, ये हो गया आपको रीजन। तो अभी 2 × 55 ये हो गया 110 डिग्री आ गया, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकंड पार्ट में बी पी डी। तो आपको यहाँ पर जो बी पी डी यहाँ पहुँचना है, ये एंगल निकालना है। अभी आपको मालूम है कि जो टेंजेंट होते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर इज टू रेडियस, तो इसलिए एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ डी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, इसका भी सेम रीजन है। तो ये आ गया। तो अभी हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल बी ओ डी पी हमारे पास क्या है, चार एंगल में से हमारे पास तीन एंगल है, ये है 90, ये 110, ये 90। अब ये आपको निकालना है, फोर्थ एंगल निकालना है। तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल आपने लिख दिया, इसलिए रीजनिंग यही हो गया। तो आपका हो गया 290 प्लस बी पी डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 360 माइनस 290, दैट इज 70 डिग्री। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर एंड द अल्टरनेट्स ये रिमेनिंग आर्क में, वो थ्योरम लगाया, फिर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस लगाया, और क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ द एंगल्स लगाया। तो यही सब घुमा फिरा के आपको ये थ्योरम आपको अप्लाई करना है। तीसरा क्वेश्चन में ये सर्कल है, इसमें वो इज द सेंटर, एक्स टी एंड वाई टी आर द टेंजेंट्स, एंड यहाँ पर एक्स टी वाई दिया है 80 डिग्री,
एक्स जेड आपको 140 डिग्री दिया है, तो आपको निकालना है जेड एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो अभी इसमें आपको दिख रहा है ये सेंटर का एंगल दिया है ना, सेंटर का एंगल, तो इसलिए आप इसको एक्स वाई जेड आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो आप लिखिए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स ओ जेड, है ना। तो इसका रीजन क्या है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग आर्क। तो हाफ इंटू 140 दैट इज 70 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 70 डिग्री आ गया, अभी अवेलेबल है। अभी दूसरा थ्योरम है, ये एंगल दिया है आपको, तो इसको यूज करना है। इसको यूज करने के लिए क्या है, जैसे ये टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, है ना। ये एक पॉइंट से एक ही सर्कल में जब टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इक्वल हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं दिस एक्स टी इज इक्वल टू टी वाई, एक्स टी इज इक्वल टू टी वाई, देयरफॉर एंगल टी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल टी वाई एक्स, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो इसको आप ले लीजिए एक्स डिग्री, देन इन ट्राइंगल एक्स टी वाई 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो है x आपको 50 डिग्री आ गया। तो देन यू फाइंड एंगल जेड वाई, इसको ले लीजिए p, सो जेड वाई पी निकाल लीजिए। ठीक है, जेड वाई पी कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 70 प्लस 50। अभी ये 70, ये 50, ये रिमेनिंग, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 120, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 डिग्री हो गया। अभी देखिए ये जो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री इज मेड बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड। तो थ्योरम क्या है, जो टेंजेंट और कॉर्ड के साथ जो एंगल होता है, टेंजेंट और कॉर्ड के साथ जो एंगल होता है, वो कॉर्ड के अल्टरनेट सेगमेंट में दूसरे सेगमेंट जो बनता है वो इक्वल हो जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट जेड एक्स वाई। सो जेड जेड एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल जेड वाई पी। तो रीज़न क्या है, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स, तो इज इक्वल टू ये आ गया 60 डिग्री। सो जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से आप थ्योरम लगा के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।